दोस्तों क्या आप भी GB WhatsApp के यूजर हो एंड आप भी GB WhatsApp को यूज करते हो, बट दोस्तों कहीं ना कहीं आप GB WhatsApp के पुराने फीचर्स को देख के यूज करके लाइक कि अगर आप चाहते हो तो अपना एक्टिव स्टेटस को छिपा सकते हो, मतलब इस तरह के कुछ और फीचर्स को देखते देखते यूज करते करते अब बोर हो चुके हो। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं GB WhatsApp के कुछ इमेजिंग जो रियल लाइफ में प्रैक्टिकल फीचर्स हैं उन फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ एंड आपको बताने वाला हूँ। सो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दोस्तों वीडियो में आप एंड तक जरूर से जरूर बने रहना। सो चले करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ए सेकेंड। तो दोस्तों अब चलिए हम बात कर लेते हैं हमारे GB WhatsApp का सबसे पहला फीचर। सो वो निकल के आती है दोस्तों मैसेजिंग विदाउट सेविंग नंबर। तो दोस्तों बेसिकली इस फीचर्स के हेल्प से आप दोस्तों बिना किसी का नंबर सेव किए आप डायरेक्टली उससे मैसेज कर सकते हो। चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पे आपको लेके दिखाता हूँ किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि आप आ चुके हो मेरे फोन की स्क्रीन में। तो सिंपली से यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों राइट साइड में आपको ऊपर साइड में एक 3-डॉट बटन दिख रहा है, सिंपली से इसे क्लिक करना। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मैसेज ए नंबर यहाँ पे लिखा आ रहा है पांचवें नंबर पे। तो सिंपली से इसे आपको क्लिक कर देना एंड इसे क्लिक करने के बाद सिंपली से आप बस उसका नंबर यहाँ पे एंटर करो। जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे ऑलरेडी से कॉपी करके रखा है तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ एंड सिंपली से मैं यहाँ पे नीचे पे मैसेज आपको दिख रहा है तो यहाँ पे बस मैसेज कर रहा हूँ। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे उसका आ चुका है। तो मेरा यहाँ कॉन्टैक्ट सेव है, बट दोस्तों ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आप कॉन्टैक्ट उसका सेव करो, बस आप नंबर इंटर करो एंड कंटिन्यूसली आप मैसेज कर सकते हो विदाउट कोई इंटरप्शन। एंड नेक्स्ट दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं GB WhatsApp का दूसरा फीचर, वो है दोस्तों ऑटो मैसेजिंग। देन आप इसे यूज में कैसे ले सकते हो। तो दोस्तों आप सपोज करो आप एक बिजनेसमैन है एंड अभी अपना सभी काम ऑनलाइन करते हो व्हाट्सएप के थ्रू करते हो। तो दोस्तों ये तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि आप 24 आवर यहाँ पे अपना व्हाट्सएप को लेके बैठा रहो यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली आप यहीं पे इसे यूज ले सकते हो। तो यूज में आप कैसे ले सकते हो वो चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पे ले जाके दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो सबसे पहले आप अपना GB WhatsApp ओपन कर लो, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको राइट साइड में ऊपर साइड में 3 डॉट्स बटन दिख रहे हैं, इसे सिंपली आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन दिखेगा ऑटो रिप्लाई, तो सिंपली से आप इसे क्लिक करोगे। इसे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे में प्लस आइकॉन दिखेगा, इसे भी आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख रहे हो ऑटो रिप्लाई मैसेज, तो सिंपली से यहाँ पे जो ऑटो टेक्स्ट हियर विल बी सेंड, तो सिंपली से यहाँ पे आपको जो भी मैसेज आपको लिखना है जैसे उधर से आप अभी बिजी हो अभी कुछ काम कर रहे हो तो देन यहाँ पे तुरंत इंस्टेंटली आप कौन सा मैसेज उसे भेजना चाहते हो, चाहे अपना कंपनी का नाम या चाहे कुछ भी आप भेजना चाहते हो। जैसे उधर से हाई लिखा तो आप जो भी अपना टाइप से, मैं यहाँ पे हेलो लिख के यहाँ पे सेव कर देता हूँ। हेलो लिख के यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप डिले मैसेज की उसके मैसेज के आने के बाद आप कितना देर बाद यहाँ पे इस मैसेज को आप भेजना चाहते हो वो सब आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड उसके बाद यहाँ पे जो सबसे लास्ट यहाँ पे आपको एक चीज़ और करना है यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम, तो यहाँ पे आप कितना देर से कितना देर तक यहाँ पे मतलब आपका वर्क चलते रहता है, आपका या जो शॉप है जो चीज़ भी है वो खुला रहता है, तो सिंपली से यहाँ पे आप अपना यहाँ पे टाइमिंग लगा सकते हो। तो मैं सिंपली से यहाँ पे कुछ भी अभी कुछ भी लगा देता हूँ, लगा के यहाँ पे सिंपली से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद नीचे अभी यहाँ पे प्लस यहाँ पे सेव का ऑप्शन है तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ऑटो रिप्लाई का यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आप जितना चाहते हो उतना यहाँ पे आप बना सकते हो एंड उसे एक्टिव कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट एक और एक्साइटिंग जो फीचर्स है GB WhatsApp का जो मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा वो है दोस्तों Google ट्रांसलेशन। जी हाँ दोस्तों इसमें आपको Google ट्रांसलेशन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप मान लो कि आपको जैसे कि मेरा इंग्लिश कमज़ोर है देन मुझे कस्टमर से बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे आप दोस्तों बस एक क्लिक में आप दोस्तों उसे ट्रांसलेट करके उसे आप हिंदी में पढ़ सकते हो या बहुत से लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो एंड आप उसे इजीली से पढ़ सकते हो। तो वो कैसे, तो चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने किसी भी चैट को ओपन कर लिया, चैट को ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो लिखा आ रहा है व्हाट इज योर नेम। तो सिंपली से मुझे अगर इसका हिंदी पता है सिंपली से क्या करना है, मैं इसे बस प्रेस कर रखना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको 3 डॉट्स बटन आया तो सिंपली से यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रख रहे हो 3rd ऑप्शन में आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन मिला, सिंपली से बस आप इसे क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यह प्रोसेसिंग हो गया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी में आपको यहाँ आ चुका है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये दोस्तों मुझे ना अभी तक का सबसे ज़्यादा एक्साइटेड एंड बहुत ही यूजफुल ये फीचर्स लगा मुझे GB WhatsApp का। एंड आप कमेंट में आप अपना भी बताना कि आपको ये फीचर्स कैसा लगा।
तो दोस्तों यहाँ पे जो जीबी व्हाट्सएप का एक और फीचर्स निकल के आया हुआ है दोस्तों, वॉइस चेंजिंग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप वॉइस चेंजिंग कर सकते हो, वो किस तरह, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, मैंने यहाँ पे चैट बॉक्स किसी का ओपन कर लिया, एंड ओपन करने के बाद यहाँ पे आप सिंपली से यहाँ पे थ्री डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको वॉइस चेंजिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है मोर के जस्ट नीचे। तो सिंपली से इसे आप क्लिक कर सकते हो, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉइस का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप रोबोट, बेबी, टीनेजर, दीप, ट्रंक, फास्ट, मतलब इस तरह के बहुत से आपको यहाँ पे वॉइस चेंजर का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी। सिंपली से आप किसी को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप, जैसे कि मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैक कर लिया। सिंपली से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको वॉइस का दिख रहा है आइकॉन, तो सिंपली से इसे लॉन्ग प्रेस करना। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने इसे सेव कर दिया, एंड देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे अभी मैं आपको सुना के दिखाता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप कोई सा भी यहाँ पे वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो। ये भी मुझे एक बहुत ही अच्छा फीचर्स लगा, बहुत ही एक्साइटिंग, कहीं पे फन करने के लिए किसी फ्रेंड के साथ, मतलब उस टाइप के लिए ये भी मुझे एक बहुत ही अच्छा फीचर्स लगा। एंड दोस्तों एक और लास्ट फीचर जो मुझे जीबी व्हाट्सएप का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, वो दोस्तों कि आप मान लो कि आप अभी कुछ काम करें व्हाट्सएप पे, एंड आप नहीं चाहते हो कि आपको कोई डिस्टर्ब करे, आपको कोई मैसेज कर सके, तो सिंपली से व्हाट्सएप में यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिससे आप दोस्तों व्हाट्सएप को डायरेक्टली कट आउट कर सकते हो। ना ही आपको कोई मैसेज भेज सकता है उधर से, ना आप इधर से भेज सकते हो, एंड इजीली से बिना कोई डिस्टर्बेंस का आप अपना काम कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपली से यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे ही आप अपने व्हाट्सएप को ओपन करो, सिंपली से यहाँ पे आपको एक वाईफाई टाइप का यहाँ पे आपको एक आइकन देखने को मिला, सिंपली से इस पे आप क्लिक करोगे। इसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देख रहे एरोप्लेन मोड यहाँ पे आपको देखने को मिला, सिंपली से बस इसे आप एक्टिवेट कर दोगे। एक्टिवेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ना ही अब आपको कोई मैसेज भेज सकता है, ना आप इधर से मैसेज इधर से कोई जा सकता है, बस वहाँ पे आपका कोई स्टेटस शो ही नहीं करेगा, आप ऑफलाइन वहाँ पे शो करोगे। सो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड साथ ही साथ कमेंट जरूर कर देना इस सभी फीचर्स में आपको कौन सा फीचर्स जीबी व्हाट्सएप का अच्छा लगा, आपके डे टू डे लाइफ में यूजफुल होने वाली है। एंड दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना। सो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम।